हेलो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। द क्वेश्चन इज अ डाई इज टॉस्ड ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 10। यहाँ पर फोर ऑप्शन गिवन है, ए बी सी एंड डी, और हमें इनमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक डाई को 2 बार टॉस किया जाता है, ठीक है। तो अगर 2 बार टॉस करेंगे तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, फर्स्ट टाइम 1 आ जाए और सेकेंड टाइम भी 1 आ जाए, या फिर फर्स्ट टाइम 1 आए सेकंड टाइम 2 आए, फर्स्ट टाइम 1 आए सेकंड टाइम 3 आए, फर्स्ट टाइम 1 आए सेकंड टाइम 4 आए, फर्स्ट टाइम 1 आए सेकंड टाइम 5 आए, फर्स्ट टाइम 1 आए सेकंड टाइम 6 आ जाए। इसी तरह से फर्स्ट टाइम अगर 2 आएगा तो उसके भी 6 कॉम्बिनेशन बनेंगे, 3 आएगा फिर 3 के कॉम्बिनेशन बनेंगे, तो टोटल जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 36 बनेंगे। जो हमारा सैंपल स्पेस है वो कितना हो जाएगा, 36। अब जो फेवरेबल आउटकम होंगे वो कितने होंगे वो देख लेते हैं। फेवर में क्या है, सम ऑफ 10। तो सम ऑफ 10 आने के चांसेस देखिए क्या क्या हो सकते हैं, या तो 4 आए और 6 आ जाए तब 10 बनेगा, या फिर दोनों में 5 और 5 आ जाए तब 10 बनेगा, या फिर फर्स्ट में 6 आ जाए सेकंड में 4 आ जाए तब 10 बनेगा। इसके अलावा तो कोई भी कॉम्बिनेशन बनेगा नहीं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 को P10 से डिनोट करते हैं। तो हमारे फेवर में कितने कॉम्बिनेशन है, 3 अपॉन में टोटल सैंपल स्पेस कितना है, 36। इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/12। तो हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, 1/12, विच इज ऑप्शन नंबर सी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।